कैंसर वर्ड हम यूज करते हैं जब किसी टिश्यू में अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होने लगती है, जो वहां पर फैलती है और फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाती है। इसी तरह की ग्रोथ जब लंग के अंदर होती है तो उसको लंग कैंसर कहते हैं। इसके कारणों में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग यानी धूम्रपान। एयर पोल्यूशन भी इसके एक इम्पॉर्टेंट कारण की तरह उभर करके आया है और आजकल बहुत से नॉन स्मोकर्स में भी ये कैंसर देखने को मिल रहा है। फेफड़ों के कैंसर का क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है 50+ एडल्ट मेल जो बहुत साल से स्मोक कर रहा है, लेकिन रीसेंट पास्ट में हमने नॉन स्मोकर्स में भी देखा है, लेडीज में भी अब ये देखा है। इनफैक्ट रीसेंट पास्ट में हमारे 40% पेशेंट्स लेडीज थे, हमने 40s में, 30s में, यहाँ तक कि 20s में भी लंग कैंसर देखा है और नॉन स्मोकर्स में भी करीब 50% पेशेंट्स हमारे आज नॉन स्मोकर्स हैं। लंग कैंसर का सबसे प्रोमिनेंट लक्षण होता है खांसी जो जाती नहीं है, इसके साथ में खांसी में खून आना बहुत सजेस्टिव सिम्टम होता है। बाद में जब डिजीज बढ़ जाती है तो चेस्ट में पेन होना, सांस फूलना, बोन्स में पेन होना, भूख कम हो जाना, वेट लॉस होना, सर में दर्द होना, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे, अगर उसमें स्पॉट दिखता है तो सीटी स्कैन, उससे पता लग जाता है कि हाँ अंदर कोई ट्यूमर या कैंसर है। उसके कंफर्मेशन के लिए हमें बायोप्सी करनी होती है यानी टुकड़ा लेना होता है। बायोप्सी से लंग कैंसर का पक्का डायग्नोसिस हो जाता है। किसी भी कैंसर के इलाज के 3 तरीके होते हैं, सर्जरी द्वारा उसको निकालना, कीमोथेरेपी जिसमें हम नसों में कुछ इंजेक्शंस देते हैं कैंसर को मारने के लिए, और रेडियोथेरेपी जिसमें हम किरणों के द्वारा उस कैंसर को जलाने की कोशिश करते हैं। लंग कैंसर में भी यही तीनों इलाज अकेले या कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्ली लंग कैंसर जो लंग के अंदर तक सीमित है तो उसमें हम सर्जरी के द्वारा उसको निकाल देते हैं, लेकिन अगर डिजीज बॉडी में फैल गई है, एडवांस लंग कैंसर है, तो फिर हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कभी कभी सर्जरी भी इनके कॉम्बिनेशन से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लंग कैंसर बॉडी के बाकी कैंसर्स के मुकाबले तेजी से फैलता है, इसीलिए इसका सर्वाइवल बाकी कैंसर्स के मुकाबले कंपैरेटिवली कम है। और लंग कैंसर के अंदर भी पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है, कुछ कैंसर्स तेजी से फैलते हैं, कुछ धीरे फैलते हैं, लेकिन फैलते सब हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर सस्पिशन है या डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है तो कृपया इलाज में डिले ना करें। अगर हम स्मोकिंग को इराडिकेट कर दें और किसी ना किसी तरह अपनी हवा को प्रदूषित होने से बचा सकें तो लंग कैंसर न केवल कंट्रोल बल्कि जड़ से खत्म किया जा सकता है।